अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहु। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में इस्तकबाल है, जहां हम इस्लाम के विभिन्न पहलुओं का पता लगाते हैं। इस वीडियो में हम ज़कात और गरीबी उन्मूलन के लिए इसके प्रभावों के बारे में बात करेंगे। ज़कात की परिभाषा। ज़कात का इस्लाम में पांचवा स्तंभों में से एक है और हर उस मुसलमान के लिए इबादत का एक अनिवार्य कार्य है जिसके पास ऐसा करने के लिए वित्तीय साधन है। यह दान का एक रूप है, जहां किसी के धन का एक निश्चित हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों को दे दिया जाता है। ज़कात का महत्व। ज़कात मुस्लिम समाजों में गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल एक धार्मिक दायित्व है, बल्कि सामाजिक कल्याण का साधन भी है। ज़कात धन के पुनर्वितरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग कम भाग्यशाली है उन्हें प्रदान किया जाए। गरीबी उन्मूलन के लिए ज़कात के निहितार्थ। ज़कात का गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव है। धन का पुनर्वितरण करके या अमीरों और गरीबों के बीच आय के अंतर को कम करने में मदद करता है। यह गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि भोजन, कपड़ा, आश्रय जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सके। ज़कात गरीबों को सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान का की भावना देने का एक साधन है। उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके यह गरीबी के चक्र को तोड़ने में मदद करता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सक्षम बनाता है। यह बदले में एक अधिक न्यायसंगत समाज बनाने में मदद करता है। ज़कात अमीरों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी बढ़ावा देता है। यह उन्हें अपने साथी मनुष्यों के प्रति उनके कर्तव्य को की याद दिलाता है और उन्हें अधिक परोपकारी और दयालु होने के लिए प्रोत्साहित करता है। अंत में, ज़कात इस्लाम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और गरीबी उन्मूलन के लिए इसके निहितार्थ को कम करके नहीं आका जा सकता। यह गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए प्रदान करने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक साधन है। धन का पुनर्वितरण और गरीबों का को सशक्त बनाकर यह अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने में मदद करता है। आप अल्लाह सुभान व तआला हम सभी को आशीर्वाद दे और हमें अपने साथी मनुष्यों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।